बात करते हैं एक और एंथैल्पी, और उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हम अच्छे से जानते हैं, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड में या एसिड में एक बेस बनाए मिलाते हम, ये हमारा एसिड है, ये तो हमारा मेन टॉपिक है। अगर हमने एसिड में बेस मिलाया तो हर बच्चा जानता है कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, और ये भी जानता है कि हाईली एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। लेकिन हमें ये पता लगाना है ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। नेगेटिव तो होगी, लेकिन नेगेटिव में क्या होगी, कंफर्म में नेगेटिव आएगी, ठीक है, इस पे मेहनत करना है। तो मैं यहां पर दो केस ले रहा हूं। फर्स्ट केस, इफ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पास है, मैंने ले लिया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। तो हम जब इसमें देखते हैं तो ये, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, हम इनको सॉलिड स्टेट में नहीं लगा कराते, हम इसको कहाँ कराते हैं, इसकी रिएक्शन एक्वस मीडियम में। और एक्वस मीडियम में एसिड जो होता है वो एच प्लस प्लस सी एल माइनस प्लस एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस, और ये हमारे पास एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस प्लस एच टू ओ में कन्वर्ट है, ये सब एक्वस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के बाद एक्वस का मतलब है पानी के साथ मिले हुए हैं, डिजोल्व है उसमें। अब ये बताइए Na और Cl, Na और Cl सेम है, कट गया, तो कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, मेन रिएक्शन पता है H प्लस और CoH माइनस के बीच में होती है और H2O बनता है। अगर आप यहां पर H प्लस का एक मोल लेते हैं और OH का भी एक मोल लेते हैं तो डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये फिक्स्ड है। और अगर आप इसको जूल में चेंज करते हैं तो 13.7 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट, राउंड फिगर में कर लो, किलो जूल पर मोल, अप्रोक्सी 57 आ गया। चलिए 57 पॉइंट समथिंग बेटा, बिल्कुल गलत लिया मैंने, हम ये लिखना चाह रहे हैं कि डेल्टा एच, एक मिनट, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, मैं पर मोल क्यों लिख रहा हूँ, ये डेल्टा एच रिएक्शन है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन जब मैं आपकी बात करूंगा तो एक मोल इसका है और एक मोल इसका है, यानी ये स्पेसिफिक हो गई अब, और जैसे ही स्पेसिफिक हो गई तो पर इक्विलेंट बोल दीजिए या पर मोल बोल दीजिए। तो जब, क्योंकि अगर यहां पर एक मोल की जगह दो मोल ले लिया तो ये भी तो क्वांटिटी चेंज होगी, हाँ, हमेशा पर मोल यूज करेंगे। पहले आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं एक तो है डेल्टा एच रिएक्शन और एक है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, दोनों अंतर है। डेल्टा एच रिएक्शन तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही रहेगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पर मोल के लिए आपको ये वैल्यू जो रहेगी पर मोल के लिए वो कॉन्स्टेंट रहेगी, समझो आप। चलो नहीं है, आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, हाँ वो एक बार फिर समझ लो, आप फिर भी समझ लो, जितनी भी स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो पर मोल पे डिफाइन है, एक है ये डेल्टा एच रिएक्शंस और एक है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशंस। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशंस आपके लिए हमेशा, अगर हम बात करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, तो 38 किलो जूल पर मोल या पर इक्विलेंट आप यूज कर लीजिए, यानी एक H प्लस
एक मोल एच प्लस एक मोल ओ एच के साथ रिएक्शन जाएगा, ये जाएगा। रिएक्शन के लिए आप भले किलो मोल लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पूछिए क्या पूछना चाहते हो। बिल्कुल मैंने किया था, वो डेल्टा एच रिएक्शन का था। डेल्टा एच हमेशा गिवन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जबकि यहां पर तो मोल ही फिक्स कर दिया वन। ये एक, हाँ बोलो, बिल्कुल होगा चेन, होगा वो रिएक्शन है, लेकिन उस कंडीशन में मैं डेल्टा एच को डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहूंगा। डेल्टा एच को डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन तब कहूंगा जब ये भी एक मोल हो और ये भी एक मोल हो। आ गई बात समझ में? फिर मैं डेल्टा एच रिएक्शन कहूंगा लेकिन डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहूंगा। यहां डेल्टा एच रिएक्शन को डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, नहीं होती, मैंने यहां डेल्टा एच रिएक्शन लिख दिया। और डेल्टा एच रिएक्शन में क्योंकि ये वन मोल है, वन मोल का डिवाइड करोगे, वन का डिवाइड करने पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो मैंने ये टू से कर दिया तो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन तब मेरे पास ये टू से सब चीजें टू से मल्टीप्लाई होगी बेटा, पूरी हो गई। अब इस जगह में डेल्टा एच रिएक्शन को डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहूंगा क्योंकि उसके लिए वन मोल होना चाहिए, तो वापस टू का डिवाइड करूंगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे पास हो रहा है स्पेसिफिक, वो फिर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर हमारे को ये दिया जा रहा है कि एक मोल दो मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या दो मोल तीन के साथ कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम डेल्टा एच रिएक्शन के बारे में बात करेंगे या न्यूट्रलाइजेशन के भी मीनिंग यहां पर हमारे पास रिलेटेड निकल रहे हैं, ठीक है ना? ये कहलाएगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट, पूरा नाम है इसका, पर इक्विवेलेंट कहलाएगा। पक्का? अब क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये आपके लिए डिस्कशंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक हो गया। आप हाँ या ना, समझ में आ चुका है? तो मैं आपके साथ हूं और बहुत आसानी से इस पे हमारे पास एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कैलकुलेट डेल्टा एच व्हेन टू मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ थ्री मोल ऑफ NaOH। तो यहां डेल्टा एच फॉर न्यूट्रलाइजेशन, यहां पर हो सकता है तो डेल्टा एच दे दिया है, जब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन व्हेन टू मोल ऑफ H2SO4 दिस, कोई डाउट? ऑफ डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस व्हेन टू मोल ऑफ दिस दिस। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एच प्लस के मोल कितने हैं जल्दी से बताइए? टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर, क्योंकि इसके अंदर टू मोल है और H2SO4 दो एच प्लस देता है। और आप मुझे बताइए OH माइनस के कितने मोल है? थ्री मल्टीप्लाई बाय वन। क्यों मैं लिख रहा हूं थ्री? क्योंकि इसके थ्री मोल है और इसमें एक ही OH है। तो अब आपको रिएक्शंस जब लिख रहे हैं एच प्लस प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? यहां पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं -13.7 किलो जूल, किलो कैलोरी लिख सकते हैं आप। हाँ बोलो बेटा, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, किलो जूल गलत लिख दिया, यहां किलो कैलोरी रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ये यहां सही है। अब इस जगह हमारे पास H प्लस के कितने मोल है? फोर, और ये कितने हैं? थ्री। तो ये एल आर है और ये ER बनेगा। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन यहां क्या रहेगा? और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शंस यहां थ्री मल्टीप्लाई बाय -13.7 किलो कैलोरी बनेगा। सीधी है,
मैं यहाँ किलो कैलोरी पर मोल नहीं लिखूंगा, मैं रिएक्शन के लिए ले रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी अलग होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन अलग है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई तो लिखें इसको जल्दी से। तो ये बहुत आसानी से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसी के टॉपिक के अंदर अगर हमारे पास एसिड वीक हो तो हम कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से। केस सेकंड, इफ एसिड और बेस, एसिड और बेस इज वीक, तो हम कैसे देखते हैं एसिड और बेस में से कोई, कैसे करना है? अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे करना है। आपके मान लीजिए आपके पास एच ए एसिड है प्लस बेस भी है, और एच ए बना रहे हो प्लस एच टू ओ बना रहे हो, और डेल्टा एच के ऊपर कमेंट कर रहे हो। एच ए नहीं, ए बी, ए बी या बी ए, कि ये मेटल होगा ये नॉन मेटल होगा, सही है, बी ए बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका बी ए बनने को तैयार है, ये बी ए बन गया आपका, ठीक है। और डेल्टा एच आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन इतना तो मालूम है कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर देखा जाए तो मेरे लिए 13.7 माइनस मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये जो डेल्टा एच है ये 13.7 की जगह इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स होगी और एक्स की वैल्यू 13.7 से कम होगी। क्यों भाई? 13.7 तो तब है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बहुत ज्यादा लिबरेट होगी, लेकिन अगर वीक है तो इतनी ज्यादा लिबरेट नहीं होगी। ये बात तो आपके दिमाग में अंदर तक बैठ जानी चाहिए। तो हम कैसे करते हैं, यहां पर देखिए, ये एक वीक एसिड है और ये एक वीक बेस है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको डिसोशिएट करना पड़ेगा H प्लस और A माइनस में, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी डिसोशिएट रहते हैं एक्वस और एक्वस, और इसको भी डिसोशिएट करना पड़ेगा B माइनस B प्लस ओ एच माइनस एक्वस एक्वस। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? मान लीजिए ये एनर्जी A है, A किलो कैलोरी पर मोल में, और ये बी किलो कैलोरी पर मोल में है। समझ में आ रहा है? डिसोशिएट करने में भी तो एनर्जी लग रही है, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 13.6 माइनस ए प्लस बी, सो इजी, खत्म बात। तो ये हमारे लिए डेल्टा एच की वैल्यू होगी, दोनों वीक है, अगर कोई एक स्ट्रांग हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये भी स्ट्रांग हो गया तो जीरो, ये स्ट्रांग हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, जीरो जीरो, क्योंकि स्ट्रांग ऑलरेडी डिसोशिएट रहते हैं। तो ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो, सी 13.7, ठीक है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कुछ समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये अप्रोच लगाना है, और अगर आपने इस तरह से अप्रोच लगा लिया तो आपके लिए काम हो गया। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइए कि अगर एसिड, यहां पर हम बात करें एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, कम हो रही है, ध्यान से सुना, एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा कम है यानी ए और बी की वैल्यू उतनी ज्यादा है, तो ए और बी की ज्यादा, इसका मतलब एसिड उतना ही वीक है। तो x की वैल्यू जितनी कम है उसका मतलब a एंड b उतना ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एंड बी ओ एच उतना ही क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथ का मतलब उनकी पावर, डिसोसिएशन कितना आसानी से होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एंड बी ओ एच उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बन रहा है आपके पास।
अगर मैं आपको दो एसिड देता हूं, इस पे एग्जांपल ये दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इफ टू एसिड, एसिड का नाम है एच ए और एच बी, दोनों एसिड है हैविंग न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी विद स्ट्रॉन्ग बेस, आर -10 एंड -10 किलो कैलोरी पर मोल एंड -12 किलो कैलोरी पर मोल, ये दिया हुआ है। देन करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए विल बी, आंसर कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, पहले तो ध्यान से देख के कि कौन ज्यादा वीक होगा एच ए और एच बी में, ये कम आ रही है मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा एच ए और एच बी में, एच बी स्ट्रांग होगा, होगा या नहीं होगा, यस, और एच बी स्ट्रांग होगा तो के ए की वैल्यू एच ए के लिए कम होगी, के ए की वैल्यू एच बी के लिए, बोलो यस और नो, तो पी के ए की वैल्यू और के ए की वैल्यू उल्टा चलता है, तो एच ए के लिए पी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी एच बी से, ये आपका आंसर जाएगा, सही है, लिखें इसको, तो बहुत आसान है आपको बताना इस जगह।